बहन मायावती ने फूका चुनावी बिगुल, आकाश आनंद और रामजी गौतम को दी बड़ी जिम्मेदारी। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आज बहन मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को तमाम लोगों का इंतजार था, खासतौर पर विपक्षी दलों को इंतजार था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस तरीके से होगी, क्या अहम बातों को लेकर बहन मायावती इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखेगी, ये तमाम चीजों को लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा गया। लेकिन जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहन मायावती ने कांग्रेस और भाजपा, इसके साथ साथ देश के अंदर में चलने वाले तमाम बड़े मसलों को उठाने का काम किया। खासतौर पर बता दें कि इंजीनियर रामजी गौतम और आकाश आनंद, इनको आने वाले तमाम विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर रखते बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ मजार को लेकर तमाम जो सवाल निशान उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर भी बहन मायावती ने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। तो ये तमाम चीजें इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, जिसकी चर्चा अभी हम करने वाले है। हमारे साथ मौजूद है नेशनल चौपाल, हमारे इस चैनल के एंकर रिपोर्टर और साथ ही साथ को फाउंडर इंजीनियर स्नेहा, इनसे बातचीत करेंगे आज बहन मायावती के से जो पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, किन बड़े मसलों को लेकर आज बहन मायावती ने अपनी तमाम बातें रखी है। सबसे पहला सवाल करना चाहूंगा, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और सवाल इस प्रकार का है कि बहन मायावती के माध्यम से ये जो पूरा का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को जो हिंदुत्व का जो एजेंडा साबित कर को लेकर कई बातें बहन मायावती ने की है, और तमाम अहम बातों को लेकर बहन मायावती ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को की है, कैसा देखते हैं आप इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को, क्या अहम बातें रही, क्या आवश्यकता रही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की? जैसा कि पराग, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैसेज आया तो काफी सारी जो हलचल है हमको ये देखने को मिली कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है कि आने वाली 23 जुलाई को जो सभा होने जा रही है और जो तीसरा मोर्चा खड़ा हो रहा है उस मतलब विपक्ष की इस बैठक को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, या फिर बड़ा ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर या गठबंधन को लेकर मायावती कर सकती है। ऐसी कई अटकलें लगाई जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि इसी से संबंधित होगा, लेकिन जब देखा गया, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जब प्रेस नोट सबके सामने आई या फिर जब बाइट सबके सामने आई, तब यह समझ आया कि बहन मायावती जी ने गठबंधन पर एक भी शब्द नहीं बोला। हालांकि इसके पहले कई बार उन्होंने जो है वो इशारा तो किया था, लेकिन अभी तक कोई भी स्पष्ट तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि उस 23 तारीख को होने वाली जो बैठक है उसको लेकर बहन जी की तरफ से कोई आधिकारिक रूप से बात नहीं आई। और आज लग रहा था कि कोई आधिकारिक रूप से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बात कही जाएगी, लेकिन फिलहाल इन बातों को अलग थलग करते हुए बहन मायावती जी ने संविधान की मूल भावना को देश के अंदर कैसे ठेस पहुंचाया जा रहा है, इस बात को लेकर आज का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और आज की पूरी प्रेस विज्ञप्ति इसी पर है। जी गौर जी, जैसे कि आपने कहा, तमाम बातों को लेकर बहन मायावती ने सवाल किया है और अपना प्रतिक्रिया दिए। सबसे बड़ी एक बात निकल कर आती है, इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरुआती दौर पर ही बहन मायावती ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कहा कि ये हिंदुत्व कौन ज्यादा हिंदुवादी या हिंदुत्ववादी है, इसको साबित कर कांग्रेस और भाजपा लगी हुई है और बाकी तमाम धर्मों को लेकर उनकी उपेक्षा लगातार। कैसा देखते इस प्रकार, क्या आवश्यकता पड़ गई आने वाले चुनाव को लेकर कि हिंदुत्व का एजेंडा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी तो देखने को मिल रही है कि लगातार उनका बना हुआ रहता है, लेकिन कांग्रेस भी अभी इस पूरे मसले पर कूद चुकी है, क्या कैसा देखते हैं आप इसको? इसको मैं ऐसा देखती हूँ कि ये जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो एक सेक्युलर पार्टी है, मैं नहीं मानती कि कांग्रेस ही सेक्युलर पार्टी, क्योंकि इसके कई ऐसे ऐतिहासिक हमारे पास सबूत है कि कांग्रेस जो है वो कभी भी सेक्युलर नहीं रही है। वही ये बात भी बता दें कि जिस हिंदुत्व का एजेंडा आज बीजेपी लेकर जो है घूम रही है, या जिसे अपना एजेंडा बनाकर बीजेपी बता रही है कि ये हमारा एजेंडा है, तो ये बीजेपी का एजेंडा नहीं है, ये हैंड ओवर हुआ है कांग्रेस से आरएसएस में और आरएसएस से बीजेपी में, ये ट्रांसफर होकर बीजेपी के पास आया है। और वो जो मूल एजेंडा है हिंदुत्व का, ये ओरिजिनली कांग्रेस का ही एजेंडा है। कांग्रेस की स्थापना से लेकर अगर आप देखिए तो आपको ये समझ में आएगा कि कांग्रेस कितनी बड़ी हिंदुत्ववादी पार्टी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब वो इस देश के प्रधानमंत्री थे और जब उनका अंतिम समय चल रहा था, तो जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू को आज देश के अंदर सेकुलर प्रधानमंत्री के तौर पर तमाम लोग देखते हैं, और मुस्लिमों को खासकर यही लगता है कि कांग्रेस बड़ी सेकुलर है,
पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़े सेक्युलर थे, तो हम बता दें कि वो उस समय जब वो मृत्यु की आखिरी घड़ी में थी, उस मृत्यु की आखिरी घड़ी में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू मृत्युंजय यज्ञ करवाते हैं। मतलब वो सेकुलर अगर होते तो एक बंद कमरे में अपने परिवार के साथ मृत्युंजय यज्ञ नहीं करवाते। इसका मतलब ये हुआ कि वो सेकुलर नहीं थे, उनका हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा आस्था थी और उन्हें ये लग रहा था कि वो मृत्युंजय यज्ञ अगर करते हैं तो वो बच जाएंगे, उनकी जान नहीं जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, मृत्युंजय यज्ञ जो यज्ञ है उसका कुछ फायदा तो नहीं हुआ। लेकिन हम ये उदाहरण इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कांग्रेस जो है वो अपने आप को अगर सेक्युलर बताने का दावा करती है तो हम यही मान कर चलते हैं कि कांग्रेस का यह दावा झूठा है, वो बिल्कुल सेक्युलर नहीं है। आज वही बागडोर जो है वो कांग्रेस की बागडोर पंडित जवाहरलाल नेहरू की उनकी बेटी के पास आती है, उनकी बेटी के बाद उनके उनके नाती के पास आती है, उसके बाद आज जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास आती है। तो राहुल गांधी ने कुछ कुछ अलग नहीं किया है, अपने पूर्वजों के ही नक्शे कदम पर चलते हैं। कभी वो जनेऊ दिखाते हैं, अपने आप को ये बताते हैं कि मैं जनेऊधारी हूँ। जनेऊ कौन पहनता है? जनेऊ तो ब्राह्मण पहनता है। तो ये राहुल गांधी को अपने आप को जनेऊ दिखाकर ये बताने की कोशिश करना कि मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी सवर्ण हूँ, ये क्या मानसिकता है? ये सांप्रदायिक मानसिकता है और ये कहीं ना कहीं हिंदुत्व के एजेंडे की तरफ ले जाने वाली मानसिकता है। तो राहुल गांधी कंफ्यूजिंग लीडरशिप लीडर है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी कंफ्यूजिंग लीडरशिप नहीं है। आज की तारीख में बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। वही अगर ये भी देखा जाए तो माननीय कांजीराम साहब का कथन भी याद आता है इनके रवैये से, कि वो कहते हैं कि दोनों जहरीले हैं, कांग्रेस जितनी जहरीली है उतनी जहरीली बीजेपी है, एक नागनाथ है एक साफ नाथ है, दोनों अगर डस जाए तो इंसान जो है वो पानी नहीं मांगता है, बच नहीं सकता है। उसी प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी है, तो दोनों का एजेंडा यही है और इसीलिए आज ये जो ओढ़ लगा रहे ना कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा हिंदू है, किसके अंदर ज्यादा हिंदुत्ववाद है, कौन इस देश को अच्छा हिंदू राष्ट्र बना सकता है, वो इसीलिए है क्योंकि दोनों की मानसिकता में, दोनों की आइडियोलॉजी में, दोनों का जो उगम है वो हिंदुत्व से हुआ है। और इसीलिए आज जो बहन जी ने कहा है क्योंकि संविधान की जो मूल भावना है, मूल भावना हमें ये बताती है कि आपका जो धर्म है आपका पर्सनल है। धर्म और राष्ट्र में आपको राष्ट्र को चुनना पड़ता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री जो है वो कभी बनारस की घाट पे नजर आते हैं, कभी वाराणसी की घाट पे नजर आते हैं, कभी गंगा के घाट पे नजर आते हैं। तो ये जो चीजें आज लगातार दिख रही हैं, तो ये सत्ता पक्ष की तरफ से तो दिख ही रही थी, और जिसे अपने आप को जो कांग्रेस अपने आप को विपक्ष कहता है, वो विपक्ष भी सत्ता पक्ष की तरह ही अपने आप को हिंदू बता रही है। तो इसी में तो बहन जी का यही कहना है कि दोनों जो कंपटीशन कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे कि भारत की मूल भावना, संविधान की मूल भावना से इस देश के तमाम दबे कुचले लोगों का भला हो, इसलिए वो उनमें ओढ़ नहीं लगी है, विकास के लिए ओढ़ नहीं लगी हुई है, लोगों को शोषण से कैसे मुक्त किया जाए इसलिए ओढ़ नहीं लगी हुई है, बल्कि इसलिए ओढ़ लगी हुई कि कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है, कौन सबसे बड़ा मनुवादी है, कौन सबसे बड़ा जातिवादी है, कौन सबसे बड़ा वर्णवादी है, यही बताने की वो कोशिश कर रहे हैं। जबकि भारत का संविधान यह कहता है कि देश में हर नागरिक जो है उसे वो इस देश का नागरिक है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। और आज बीजेपी कांग्रेस भूल रहे हैं कि इस देश में सिर्फ हिंदू नहीं रहता, इस देश के अंदर आदिवासी रहता है जो कि नॉन हिंदू है, इस देश के अंदर पारसी रहता है, इस देश के अंदर जैन है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, ये तमाम लोग रहते हैं, नास्तिक रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके उसे एक हिंदुत्व के एजेंडे में सेट करना, ये एक नैरेटिव सेट करना है लोगों के दिलो दिमाग में, मस्तिष्क में, जो कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ जाती हुई नजर आ रही है। और इसी को शायद बहन मायावती जी जो है वो रोकने की कोशिश कर रही थी। पराग जी बिल्कुल देखा कि मीडिया भी एक नैरेटिव बनाता हुआ नजर आ रहा है हिंदुत्व को लेकर। हाल ही में जो जंतर मंतर पर तमाम महिला कुश्ती खिलाड़ी जो थे उनके खिलाफ भी किस तरीके से एक नैरेटिव बनाया गया, ये तमाम चीजों से समझ में आता है। अगला सवाल इस प्रकार का रहेगा कि ये जैसे देखेंगे आने वाले 23 तारीख को तमाम विपक्षी दलों की जो बैठक पटना बिहार के अंदर में की जाने वाली है,
बड़ी खबर तो यही देखने को मिल रही है कि बहन मायावती को इस पूरे के पूरे गठबंधन की इस बैठक से नजरअंदाज किया गया है, और खासतौर पर ये भी देखा कि बहन मायावती को का इसके अंदर कही भी बहन मायावती ये सभी को इंतजार था, लेकिन ऐसा कुछ इस गठबंधन के को कोई बयान नहीं दिया, किसी बात को लेकर उन्होंने चर्चा नहीं की। क्या आखिर बड़ी वजह मानते कि बहन मायावती इस पूरे प्रेस वार्ता के अंदर में गठबंधन को लेकर कोई चर्चा नहीं की, और यहाँ पर विपक्ष जो है भारतीय पार्टी की बी टीम में लगा हुआ है, कैसे देखते हैं तमाम सवाल को? पराग, ऐसे है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक तो संविधान की मूल भावना के साथ बनी हुई थी, दूसरा जो छोर है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये है कि आने वाले कुछ ही दिनों में 2024 के करीब ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में चुनाव होने जा रहे हैं, और ये विधानसभा के चुनाव को लेकर भी एक बड़ा ऐलान था। तो लोकसभा चुनाव के लिए जो मोर्चा तैयार हो रहा है और जो बैठक होने जा रही है, उस बैठक को बहन जी ने नजरअंदाज कर दिया या फिर उस पर बात ही नहीं की। तो अब ये है कि ऐसा क्यों किया? तो बहन जी की जो पॉलिटिक्स है उसको समझना बहुत ही नामुमकिन है, आज तक उसका एनालिसिस कोई नहीं कर पाया है। आप सारे मीडिया पर देखिए तो कोई ये आकलन नहीं कर सकता, या फिर कोई ये बता नहीं सकता है कि आने वाले समय में, कोई फोरकास्ट नहीं कर सकता कि बहन जी का क्या प्लान रह सकता है, क्या रणनीति रह सकती है। तो फिलहाल तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि 23 तारीख की बैठक में बहन जी शामिल नहीं होगी, क्योंकि वो इस प्रकार की बैठकों में जो है वो विश्वास नहीं रखती। और दूसरी बात, पिछलग्गू वाला जो स्वभाव है वो बसपा का पहले से नहीं रहा ना, और बहुजन समाज पार्टी एक सीट की पॉलिटिक्स नहीं करती, वो पूर्ण भागीदारी की पॉलिटिक्स करती है। दूसरी बात जो है वो किसी के पीछे जाने में बहुजन समाज पार्टी विश्वास नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी के आज तक आप देखें, 2014 में बहुजन समाज पार्टी के 0 सांसद थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने घुटने नहीं टेके। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद है, तो ऐसे में जब 0 थे तब नहीं घुटने टेका, तो अब जो है 10 है, तो ऐसे में कहां बहुजन समाज पार्टी जो है वो इन लोगों से जो है वो संभलने जाएगी। तो बहन जी की पॉलिटिक्स को तो फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। और अभी तो क्या लगता है कि, जैसे कि थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा, क्या लगता है कि अगर गठबंधन में बसपा शामिल नहीं होती, क्या बसपा का कोई नुकसान होगा, या फिर ये विपक्षी गठबंधन जो बन रहा है इनका कोई नुकसान होगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होगा? क्या बहुजन समाज पार्टी का कितना आवश्यक है गठबंधन में शामिल होना या फिर नहीं होना? बखूबी बहुजन समाज पार्टी अगर इस गठबंधन में शामिल नहीं होती है तो काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का सिर्फ उत्तर प्रदेश ही मामला नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के का जो संबंध है सिर्फ वो सब उत्तर प्रदेश से नहीं है। अगर हम आरजेडी की बात करें, जेडीयू की बात करें, तो बिहार के बाहर उसे कोई नहीं जानता है या कोई नहीं पूछता है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो यूपी से बाहर उसे कोई नहीं पूछता है। फिलहाल सपा के पास उतने सांसद नहीं, और सपा जो है वो रेस में नहीं है, लाइन में नहीं है कि वो आने वाले 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा कोई दे सके। और जो भी पार्टियां हैं छोटी मोटी जो नजर आती है, वो सारी अपने स्टेट में ही मजबूत है, उस स्टेट के बाहर उसका कुछ नहीं है। तृणमूल कांग्रेस का भी अगर ले लीजिए तो ममता बनर्जी का कोई जो है कोई वोट बैंक जो है उनके प्रदेश के बाहर नहीं है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी समझ आती है कि जिसके पास अपना वोट बैंक है, और जो कि ट्रांसफरेबल है, जो कहीं पर भी उन बहन मायावती जी के कहने पर वोट डाल सकता है। और दूसरी बात यह है कि 80 जो है वो लोकसभा सीटें यूपी से होकर गुजरती है, और खासकर उन 80 सीटों में जो रिजर्व सीट है, जिन रिजर्व सीटों पर बहुजन समाज पार्टी की अपनी पकड़ है, अपने वोट बैंक पर पकड़ है, अपने क्षेत्र में पकड़ है, उनसे तो काफी दिक्कतें होंगी, और 80 का आंकड़ा काफी बड़ा होता है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस की हालत तमाम लोग जानते हैं कि फिलहाल बीजेपी के सामने कांग्रेस जो है वो नतमस्तक के तौर पर ही है, वो विपक्ष का चेहरा बनने के लिए तैयार तो है लेकिन वो सक्षम नहीं है, उतनी ताकतवर नहीं है। उसे ताकत अगर बढ़ाना है तो एज अ विपक्ष कांग्रेस को जैसे सबकी जरूरत है, वैसे बहुजन समाज पार्टी की भी जरूरत रहेगी।
अब यही बात है कि घुटने पर कौन आता है, उसी का इंतजार मुझे लगता है हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी ये वेट कर रही है कि कौन घुटने पर आए और उसके साथ बार्गेनिंग की जाए, क्योंकि बार्गेनिंग में बहुजन समाज पार्टी अगर पहले जो है वो अगर पहले निगोशिएशन करती है या फिर पहले अपना पहले ही घुटने टेक दे, तो बहुजन समाज पार्टी की ये पॉलिटिक्स के जो रूल है या फिर ये कह सकते हैं उसका स्वभाव भी नहीं है बहुजन समाज पार्टी का, वो एक चीज है। तो ये इसके स्वभाव के साथ नुकसान काफी हो सकता है अगर नहीं जाती है। और वही इसका मतलब यही होगा कि विपक्ष ये चाहता है कि बीजेपी ही सत्ता में बनी रहे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी दलितों पिछड़ों और आदिवासियों शोषित वंचितों का नेतृत्व करती है। इन लोगों के इन तमाम लोगों का जो वोट है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है और उनकी नेता बहन मायावती है। तो इन लोगों के नेता को अगर नजरअंदाज करते या फिर इन्हें छोड़ दिया जाए तो बचा क्या, जो जो सवर्ण वोट जो हिंदुत्ववादी वोट आज बीजेपी के पास है उसी का थोड़ा सा जो है वो इनको मिलना है। तो जो ये भी बड़ा तबका होता है, दलित बड़ा तबका है, पिछड़ा है, आदिवासी बड़ा तबका है और तमाम देश के अंदर हर राज्यों में इनका वोट बैंक है अपना और ये वोटर है बहुजन समाज पार्टी के। तो नुकसान तो होगा लेकिन विपक्ष का जो असली चेहरा है वो भी सामने आ जाएगा कि वो विपक्ष बनने का नाटक कर रहा है और अंदरूनी तौर से उसकी बीजेपी के साथ ही मिली भगत है, ये क्लियर भी हो सकता है। तो जैसा कि बहन मायावती की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इससे हमको देखने को मिला कि बहन मायावती ने मजार को लेकर काफी बड़ी बात कही है कि उनका एक जिस प्रकार मजार को ये सरकारी भूमि बताई जा रही है और सुपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो इसको लेकर जो बहन मायावती क्या सोचते आप, क्या आखिर बहन मायावती ने इस मुद्दे को क्यों छेड़ा? सबसे पहली बात तो ऐसा है पराग कि देश के अंदर जैसा कि दलित का उत्पीड़न लगातार हो रहा है, दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, आदिवासियों का हो रहा है, पिछड़ों का हो रहा है, उसी प्रकार मुस्लिमों का भी उत्पीड़न हो रहा है और मुस्लिमों जो है उनको काफी टारगेट किया जा रहा है और काफी समय से टारगेट की, जब भी हिंदुत्व की बात होगी तो सबसे पहले जो है वो मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है। फिर उसके लिए जो है अब इस प्रकार से पत्थरबाजी वाला मामला हो, मंदिर मस्जिद हो, ज्ञानवैपी मंदिर का मामला हो, मस्जिद का मामला हो, ज्ञानवैपी की फिर मंदिर को मस्जिद बताना, मस्जिद को मंदिर बताने का मामला हो या फिर मदरसों पर भगवा लगाने का मामला हो, लगातार ये मामले जो है हमने पिछले दिनों से हम देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब ये जो सरकार जो है वो अपनी कैसे मनमानी कर रही है, क्योंकि जो मजबूत सरकार होती है वो मगरूर सरकार होती है और मगरूर सरकार जो है वो हर उत्पीड़न में अपनी जो है अपनी ओरिजिनल मंशा को छुपाकर, अपनी ओरिजिनल हिंदुत्ववादी मंशा को छुपाकर विकास का मुद्दा बताकर या फिर जिस प्रकार से अभी मस्जिदों को गिराया जा रहा है, जैसे ढाया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसे बहादुरी बताते हैं, कहते हैं कि विकास के लिए वो बहादुर बन रहे हैं, बहादुर सरकार है, लेकिन उनका ओरिजिनल मंशा यह है कि मुस्लिमों का उत्पीड़न हो। क्या होता है कि जैसे अतिक्रमण का मामला बताकर अभी जो मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया गया, इससे ये बात एक होती है कि मुस्लिम समाज पहले से डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उसे पहले ही इस देश के अंदर जो है वो और नागरिक मानने के लिए इस देश की सरकारें तैयार नहीं है, इस देश के हिंदुत्ववादी संगठन उसे इस देश का नहीं मानते, उन्हें सेकेंडरी समझते हैं, अभी तक वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए, मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, ना ही एजुकेशन में आ पाए हैं, ना ही नौकरियों में है, ना ही मीडिया में है और पॉलिटिक्स में भी नहीं है। तो ऐसे में ये मुस्लिमों का जो मुद्दा है वो ना कांग्रेस उठा रही है, ना ही बीजेपी तो उत्पीड़न कर रही है। वहीं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी ये कहती है कि अगर कांग्रेस इतनी ईमानदार होती मुस्लिमों के लिए या फिर मुस्लिमों का रहबर अगर कांग्रेस को बनना होता तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उन्हीं के शासनकाल में बनी है, तो उनको उनकी असलियत सामने नहीं लाती। तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का भी यही मानना है कि मुस्लिम समाज पिछड़ा है और उसके लिए जिम्मेदार तो कांग्रेस की सरकार रही होगी और आज की तारीख में तो मुस्लिमों के साथ इस प्रकार से उनका मनोबल गिराना, उनके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाना, उनका अपमान करना या उनका उत्पीड़न करना, ये तमाम एजेंडे जो है वो बीजेपी के सेट एजेंडे और उसी के तहत काम हो रहा है।
अब मुस्लिम समाज जो है उनको उनका रहबर कोई नहीं है, उनकी पार्टी अपनी कोई नहीं है, और जो AIMIM है उसका भी कुछ सीमित क्षेत्र है, उस सीमित क्षेत्र के बाहर जो है AIMIM जो है वो दिखाई नहीं है। तो अब ऐसे में बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा ही सभी की बात करती है, जाति धर्म से ऊपर उठकर बहुजन समाज पार्टी जो है वो अन्याय के खिलाफ बात करती है, उत्पीड़न के खिलाफ बात करती है, और बहुजन समाज पार्टी का यह दायित्व है, और वही अपने दायित्व को निभाते हुए बहुजन समाज पार्टी ने इस तरीके से जो मस्जिद को ढाया गया, इस मुद्दे पर भी बहन रंजी का ये आया है कि मुस्लिमों के घरों पर जब बुलडोजर चलाए गए थे तब भी बहन मायावती जी ने आवाज उठाई थी, उस पर भी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बोली थी, और आज भी जो है इस प्रकार की घटनाओं पर बहन जी बोल रही है। हालांकि सारे जो राजनीतिक पार्टी है जो अपने आप को विपक्ष कहती है वो लोग चुप है, तो फिलहाल बहन मायावती जी का यही काम है, उनका ब्रॉड काम है हर जाति और धर्म से बाहर निकलकर, दलगत राजनीति से बाहर निकलकर संवैधानिक मूल्यों के तहत वो अपना बयान जारी करके, जो कि आज जो जो बुलडोजर मामला हुआ मस्जिद को ढाने वाला उस पर भी ये समझ आता है कि कैसे उनकी ब्रॉड पॉलिटिक्स है। पराग जी, जैसा कि आपने मजार को लेकर तमाम जो चीजें कही है, महाराष्ट्र के अंदर में जिस प्रकार अक्षय भालेराव जो शख्स है बाबा साहब की जयंती को मनाने को लेकर जिस प्रकार उसके साथ में जातिवादी लोगों ने उसकी जो हत्या कर दी है, उसको मौत के घाट उतार दिया है, जिस तरीके बर्बरता से उसको मारा गया है, इसको लेकर भी बहन मायावती ने तमाम बड़ी बातें कही है। राष्ट्रपति शासन तक महाराष्ट्र में लगना चाहिए ये भी उन्होंने कहा है। आगे चलकर ये कहूंगा कि जिस प्रकार तमाम जो विधानसभा के चुनाव जो चारों राज्यों के अंदर में होने वाले है, यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी आकाश आनंद और राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम इनको दी गई है, कैसे देखते हैं आपकी इनके इस नेतृत्व के अंदर में क्या तमाम परिणाम जो देखने को मिले, इसके पहले देखने को मिलेंगे, पीछे बहुजन समाज पार्टी चले जाएगी या फिर नए एक आश्चर्यजनक परिणाम निकालकर बहुजन समाज पार्टी देखने को मिलेगी? परिणाम का तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित ही ये जो निर्णय आया है ये फैसला काफी सकारात्मक है, क्योंकि जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी हमेशा दावा करती है कि वो पार्टी बाद में है, पहले आंदोलन है, तो आंदोलन जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होना भी जरूरी है, तो हम उसे इस आंदोलन के को ट्रांसफर वाले ही सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। हालांकि ये कितना काम करेगा विधानसभा चुनाव में ये अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल जो है वो राज्यसभा सांसद रामजी गौतम इनके नेतृत्व पर कोई शक भी नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से राजस्थान का रिजल्ट हमने इसके पहले देखा है, उसी के बाद राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश का रिजल्ट हमने देखा है, और तेलंगाना में भी जिस प्रकार से काम चल रहा है, तो छत्तीसगढ़ में चल रहा है, तो फिलहाल तो ये चारों जो राज्य है ये बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो प्रभारी है राज्यसभा के सांसद रामजी गौतम वो संभाल रहे हैं, तो हो सकता है कि अब जिस प्रकार से बहन जी ने रामजी गौतम को जैसे मुख्य भूमिका में रखा है उसी तरह उन्होंने उनके साथ आकाश आनंद को लगाया है, तो ये मूवमेंट ट्रांसफर हो रही है नई जनरेशन की तरफ, और जो बार बार ये बहुजन समाज पार्टी के अंदर कुछ लोग एलिगेशन लगाते हैं कि नए जनरेशन को मौका नहीं देते हैं, नए जनरेशन को नहीं आने देते हैं, तो एक युवा सांसद को लगाया है, एक बहुजन समाज पार्टी के युवा नेतृत्व युवा लीडर जो है आकाश आनंद को लगाया है, तो ये इससे सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, खासकर बहुजन समाज के युवाओं को आकर्षित भी किया जा सकता है, और साथ ही अपनी विचारधारा को लेकर तो बहुजन समाज पार्टी तटस्थ रहती है, और तमाम कांग्रेस की ये राज्य हैं, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, और तेलंगाना में KCR की सरकार है, चारों जो राज्यों में क्या हालत है, कांग्रेस में कितना उत्पीड़न होता है, कांग्रेस के राज्य में राजस्थान में कितना उत्पीड़न होता है, ये सारे आंकड़े तमाम लोग देख रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव एक तरफ मनाते हैं, वही दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर पानी के लिए, मूछों के लिए, घोड़ी पर बैठने के लिए, मंदिर में जाने के लिए पिटाई हो जाती है, मध्य प्रदेश के अंदर दलितों आदिवासियों पर लगातार उत्पीड़न होते हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासियों पर उत्पीड़न होते हैं, और KCR की बात क्या है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात करते हैं, तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से दो बड़े नेतृत्व जो है युवा फेस दिया गया है, ये सकारात्मक निर्णय हम इसे समझते हैं, सकारात्मक फैसला है, हो सकता है इस फैसले से कुछ सकारात्मक परिणाम भी नजर आए। पराग
जैसे पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि हिंदुत्व को लेकर बहन मायावती ने बड़े सवाल उठाए हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने आप को हिंदुत्व साबित करने में लगी हुई है, साथ ही साथ महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी तमाम मसलों को लगातार उठाया है। और उन्होंने कहा है कि भले ही कांग्रेस की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, यहाँ पर गरीबी, जो बेरोजगारी, महंगाई अपने चरम सीमा पर है, तमाम बड़ी बातें कही है। उन्होंने साथ साथ मजार को लेकर जो बड़ा सवाल उठाया है कि अगर मजार, अगर अभी फिलहाल में जिस प्रकार उनको बुलडोजर के ढाया जा रहा है, ये अगर सरकारी जमीन पर है तो जब इसको बनाया जा रहा था तभी इनके ऊपर में क्यों एक्शन नहीं लिया गया, ये तमाम बड़ी बातें। और जैसे आखिर में हमने, मैंने जो सवाल किया है उसका जवाब भी आपने सुना कि बहन मायावती के माध्यम से आकाश आनंद और इंजीनियर रामजी गौतम, इनको जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, ये तमाम मसलों को लेकर हमने पूरी तरीके से जो चर्चा की है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्या आपके बड़े सवाल है, उन सवालों के जवाब आप अपने लिखकर जरूर बताएं। और साथ ही साथ इस पूरे चर्चा में जो हमने जो जवाब लिए है बहन मायावती के माध्यम से, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई इसके अंदर, इसके मद्देनजर रखते हुए, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, उसे हमें लिखकर जरूर बताएं। और इस तमाम मसलों को लेकर इस तरीके से हम लगातार आपसे रूबरू होते रहेंगे, इस तरीके से तमाम चर्चा हमारे चैनल पर लगातार देखने को मिलेगी। चैनल को आपने अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिसके तमाम तरीके से इस प्रकार के वीडियोस और चर्चाओं की जानकारी आपको सबसे पहले पहुंचे। मसले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।